बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा, अभी उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर जो इस्तीफा है वो दिया है। उसके बाद जो पैदल मार्च है वो कर रहे हैं, उनके साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं एवं अन्य जो गणमान्य सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, वो उनके साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। ये पैदल मार्च बिहार विधानसभा से निकला है और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि इस्तीफे देने के बाद आज 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विजय सिन्हा करेंगे और विजय सिन्हा इस वक्त अपने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ पैदल जो मार्च है वो कर रहे हैं। आपकी भूमिका में दिखेंगे विपक्ष लगातार आपके आरोप लगाती रही। पार्टी हमारे पार्टी और नेतृत्व जो निर्णय लेता है सब सैनिक की तरह हम लोग खड़े रहते हैं। तो आप सैनिक है भाजपा के? आप सैनिक है भाजपा के? अब भाजपा के सैनिक हैं। देखिए विजय सिन्हा से जब पूछा गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो उन्होंने कहा कि जो शेष नेतृत्व तय करेगा वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, अब मैं भाजपाई हो गया हूं, पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष था। तो निश्चित तौर पर जो तमाम रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो धीरे धीरे अब सामने आ रही है और जो अध्यक्ष हैं बिहार पूर्व अध्यक्ष जो हैं बिहार विधानसभा के वो पहुँचे हैं सप्तमूर्ति, और यहाँ जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अब यहाँ पहुँचे हैं सप्तमूर्ति के पास और यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो बिहार विधानसभा के बाहर की है जहाँ पैदल मार्च करते हुए बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा पहुँचे हैं, उनके साथ पूर्व जो डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद वो पहुँचे हैं, और आगे की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो धीरे धीरे खुलती जा रही है। मोर्चा नीतीश कुमार के खिलाफ खोलना है और विजय सिन्हा से जब सवाल पूछा गया कि आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि जो भी भूमिका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझे देगी उन तमाम भूमिका को बेहतर ढंग से निभाऊंगा। बहरहाल क्या कुछ होगा अब विधानसभा में वो पल पल की अपडेट फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों तक साझा करेगा। जो वृक्ष जो है वो चलिए एक सकारात्मक वातावरण बिहार में बनाना है, एक नए माहौल के साथ हम बिहारी हैं गर्व करने का एक माहौल खड़ा करना। लेकिन आरजेडी ने जो कहा कि वो शहीदों को जो हमारे लिए अपने बलिदान दिए हैं उनको नमन करने आए हैं, इनकी बलिदान को जिसने भी कलंकित किया है उसके विरुद्ध एक नया अभियान शुरू होगा।